हम पढ़ना चाहते हैं, या हमारा टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कर्व्स। सॉल्युबिलिटी से क्या मुराद है या सॉल्युबिलिटी से क्या मतलब है? सॉल्युबिलिटी नाम से ही पता लग रहा है, सॉल्व होने की एबिलिटी या डिसॉल्व होने की एबिलिटी। फॉर एग्जांपल, आप मेरे सामने यहाँ पे एक सॉल्वेंट देख सकते हैं, यानी एक लिक्विड है और ये सॉल्यूट है। अब जो ये सॉल्यूट है, ये हम आयनिक सॉल्यूट यानी आयनिक क्रिस्टल इमेजिन कर लेते हैं, जिसमें एक क्रिस्टल लैटिस है। क्रिस्टल लैटिस का मतलब कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फिक्स्ड पोजीशंस पर, एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पर मौजूद हैं, और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन हैं दे आर एट मैक्सिमम। अब अगर इस सॉलिड को उठा के मैं इस सॉल्वेंट में डाल दूं तो क्या होगा कि इस सॉल्यूट यानी क्रिस्टल के जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं उनको वाटर के मॉलिक्यूल्स आके अट्रैक्ट करेंगे, और वो क्रिस्टल में से निकलकर वाटर या जो भी हमारा लिक्विड है सॉल्वेंट उसमें चले जाएंगे। ऑब्वियसली जब हमने डाला उस वक्त बहुत ज़्यादा आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इस क्रिस्टल को छोड़ के निकलेंगे बाहर की तरफ। कुछ देर अगर हम इसके अंदर छोड़ दें तो बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भी होंगे जो क्रिस्टल वापस कैप्चर कर लेंगे। तो दो काम हो रहे होते हैं एट एनी टाइम, वो क्या है? डिसोल्यूशन यानी जिसमें डिसॉल्व हो रहे हैं, यानी क्रिस्टल से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन निकल के सॉल्वेंट में जा रहे हैं, इसे हम डिसोल्यूशन कहते हैं। और ये क्या हो रहा था? डिसॉल्विंग ऑफ आयंस इनटू सॉल्वेंट। एट द सेम टाइम देयर इज समथिंग एल्स आल्सो हैपनिंग, वो क्या हो रहा है कि जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन है ये रिकैप्चर्ड हो जाते हैं, क्रिस्टल इन्हें वापस ले लेती है, वापस अट्रैक्ट कर लेती है। तो हम इसे कहते हैं कि ये रिक्रिस्टलाइजेशन हो रही है, या इसे हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये दोनों रेट इक्वल हो जाते हैं, यानी रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डायनामिकली। यानी कि अगर 1000, मैं एक वैसी फर्जी नंबर लेता हूँ, 1000 आयंस क्रिस्टल से निकल के सॉल्वेंट में जा रहे हैं, तो 1000 आयंस सॉल्वेंट में से वापस क्रिस्टल कैप्चर कर रही है। जब ये दोनों रेट इक्वल हो जाते हैं, एट दैट टाइम जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन होती है सॉल्वेंट के अंदर, उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन कुछ ऐसे होगी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड सब्सटेंस, जो भी हमने सॉलिड सब्सटेंस उसमें डाला होगा, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ऑब्वियसली ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है सॉल्युबिलिटी, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो लिक्विड के भी मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, और वो बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे या बहुत ज़्यादा वायलेंटली स्ट्राइक करेंगे क्रिस्टल के नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन से। और जो क्रिस्टल के अपने नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन है वो भी ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट होने की वजह से they will have more chances to leave the crystal and go out into the liquid या solvent में जाने के लिए। तो हम ये जो definition है ये at particular temperature पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम और आसान अल्फाज में कहें तो हम कह सकते हैं number of grams of solute in 100 gram of solvent at a given temperature, ये भी हमारी solubility की definition होती है। अब हम यही form कर्व्स की, यही डेफिनेशन या यही ट्रेंड हम कर्व्स की फॉर्म में भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी वाई एक्सिस पे ले लूँ, टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे ले लूँ, तो सोडियम नाइट्रेट का कर्व मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। और ये कर्व क्या बता रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो सॉल्युबिलिटी सोडियम नाइट्रेट की बढ़ रही है। इसी तरह CaCl3 की देखें, वो तो सडनली बढ़ रही है, पहले कुछ देर के लिए सेम रहती है, फिर सडनली टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। इसी तरह NaCl का भी आप देख सकते हैं, NaCl का ऑलमोस्ट कांस्टेंट ट्रेंड है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रही। हम KCl या PbNO3 होल ट्वाइस का भी देख सकते हैं, बड़ा शार्प उसका ट्रेंड है। तो एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ किसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की, तो सोडियम क्लोराइड की 37.5 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी सॉल्युबिलिटी हम कहते हैं। इसी तरह कॉपर सल्फेट की जो है
वो 14.3 ग्राम पर 100 ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर मैं टेम्परेचर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं तो ये सॉल्युबिलिटी 14.3 से बढ़कर 75.4 ग्राम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बुक की एग्जांपल देखें जिसमें तमाम ग्राफ्स को उन्होंने एक ही तमाम कर्व्स को एक ही ग्राफ में शो किया है, तो कुछ ऐसा बनता है। अब ये सारे जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूस हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वो है डिसकंटिन्यूस की। उसमें हम देखते हैं, जैसे कि अब आप देख रहे हैं मेरे सामने यहाँ पर ये जो ग्राफ है या कर्व है ये डिसकंटिन्यूस हैं, यानी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो एक खास ट्रेंड नज़र आता है, फिर एक खास टेम्परेचर पर पहुँच के कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रेंड नज़र आता है, फिर अगेन एक खास टेम्परेचर पर पहुँच के एक डिफरेंट ट्रेंड नज़र आता है। उसकी क्या वजह है, अगर मैं पहले ऊपर वाले कर्व की बात करूँ कैल्शियम क्लोराइड की, तो वो पहले उसके अंदर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स थे क्रिस्टल के अंदर, फिर एक टेम्परेचर के बाद उसने 2 लूज कर दिए वाटर, तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट सॉलिड बन गया, यानी वो कैल्शियम क्लोराइड 4H2O बन गया। फिर अगेन उसका एक अपना ट्रेंड है, जब एक खास टेम्परेचर पर पहुँचते हैं वो मज़ीद 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लूज़ कर देता है और वो कैल्शियम क्लोराइड 2H2O बन जाता है। सिमिलरली हमारे पास दूसरी एग्जांपल है Na2SO4, ये 10H2O यानी 10 वाटर मॉलिक्यूल इसकी क्रिस्टल में कैप्चर्ड है। जब हम इसे हीट करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, बट एट वन पॉइंट आके ये तमाम 10 के 10 वाटर मॉलिक्यूल लूज़ कर देते हैं और हमारे पास जो बनता है वो सोडियम सल्फेट है। तो उसका एक अपना सॉल्युबिलिटी कर्व यानी उसका अपना सॉल्युबिलिटी ट्रेंड है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक हमने सॉल्युबिलिटी को भी देखा और सॉल्युबिलिटी कर्व्स को भी थोड़ा बहुत स्टडी किया। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और बेशुमार MCQs और उनके एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कृपया अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो e-लर्निंग प्रोग्राम, और इससे खुद भी फायदा उठाइए और साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज को भी रेकमेंड कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।